नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेविंग्स बैंक अकाउंट पर इनकम टैक्स लगता है या फिर नहीं लगता है, कितने अमाउंट रखते हैं तो इनकम टैक्स लगता है, कितना निकालते हैं तो लगता है और कैसे लगता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि अगर हम UPI करते हैं तो उस पर कोई इनकम टैक्स देना पड़ सकता है या फिर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि बहुत से लोग पेटीएम वगैरह पर लूट ऑफर के लिए UPI करते हैं, 1 ट्रांजेक्शन 5,000 10,000 करके ऐसे कर लेते हैं, 2-4 रुपये या फिर 25 रुपये 26 रुपये के आसपास के लिए, तो ऐसे करके UPI लूट मचाती हैं। तो इस पर बहुत सारे लगातार कमेंट आ रहे थे कि आखिर इस पर UPI पर हमें कोई भी इनकम टैक्स देना पड़ सकता है या फिर नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं इस दोनों टॉपिक को क्लियर करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट में रिक्वेस्ट आते रहते हैं, तो आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर INT हिंदी टेक चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले घंटी पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, तभी हमारे द्वारा अपलोड किया गया सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेविंग्स बैंक अकाउंट के बारे में कि आखिर सेविंग्स बैंक अकाउंट पर आपको इनकम टैक्स कब देना पड़ता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बैंकों की एक फाइनेंशियल ईयर होती है। फाइनेंशियल ईयर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक बैंकों की फाइनेंशियल ईयर होती है, जिसे फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। अगर इतने दिनों के मध्य में आप अपने सेविंग्स अकाउंट पर 10 लाख रुपए जमा कर चुके हैं या फिर निकासी कर चुके हैं तो बैंक जो है इनकम टैक्स को नोटिस करता है कि इस अकाउंट पर, इसी सेविंग अकाउंट पर इतना पैसा डिपॉजिट हो चुका है या फिर विड्रॉ हो चुका है। तो बात आती है इनकम टैक्स का, तो इनकम टैक्स आपको नोटिस भी भेज सकता है उसका ब्यौरा के लिए कि आखिर ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, कब जमा किया और किस माध्यम से आया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास 2-4 ऐसे बैंक अकाउंट है और एक पर 10 लाख रुपए ना रख के 2-3 में डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि 2-3 अकाउंट पर रख के टोटल 10 लाख रुपए पुर जाते हैं, तो क्या हम इनकम टैक्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, यानी कि देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप एक अकाउंट पर रखो या फिर 10 अकाउंट पर रखो, आपका सभी अकाउंट या तो आधार कार्ड से लिंक होता है नहीं तो पैन कार्ड से लिंक होता है। और आप सभी को पता है यदि आपका अकाउंट पैन कार्ड से लिंक है तो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य हो चुका है। बहुत से लोगों का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हुआ भी होगा और जिनका नहीं हुआ है वो फाइनल नोटिस आ चुका है, वो सितंबर तक लिंक करवा सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इनकम टैक्स अगर 10 लाख रुपए अगर आप सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट या फिर विड्रॉ कर चुकी हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस जो है आपको कब और कैसे मिलता है। दोस्तों, जब देश में बजट पेश होती है तब बात आती है इनकम टैक्स की और वहाँ पर जो है कर को बढ़ाया जाता है या फिर घटाया जाता है। लेकिन जब से कैशलेस की सर्विस स्टार्ट हुई है, UPI वगैरह स्टार्ट हुई है, तब से यहाँ पर इनकम टैक्स की नोटिस आने में थोड़ा सा देर हो रहा है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ये समझने की कोशिश करती है कि आपके बैंक अकाउंट पर जो भी पैसा डिपॉजिट हुआ है वो किसी कंपनी के माध्यम से हुआ है या फिर कैश में हुआ है या फिर UPI करके डिपॉजिट हुआ है। अगर उनको लगता है कि यह पैसा, यानी कि यह पैसा अनवांटेड है, ना चाहते हुए भी यह पैसा आया है और किसी कंपनी के पास से आया है या फिर कैश डिपॉजिट किए हैं, तब जाके आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है। लेकिन यही अगर आप UPI करते हैं तो UPI में एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जरूर देखती है कि आखिर ये UPI कहाँ से किया गया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10 लाख रुपए फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट कर चुकी हैं तो डिपेंड उन पर करता है कि वो आपको नोटिस कब भेजे या फिर अंदर ही अंदर वो अपना कुछ रिसर्च करे। मैं आपको बता दूं, अगर 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर चुकी हैं और आपको अगर नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इसमें आप घबराइए नहीं, आपको सिर्फ ब्यौरा देना पड़ेगा कि ये पैसा आपका कहाँ से आया है। अगर आपका इनकम से आया है तो उसका अगर इनकम टैक्स बनता है तो आपको देना पड़ता है। यही बात करते हैं कि कुछ लोगों के मदद करने के लिए अपने अकाउंट पर पैसा जो है डिपॉजिट करवा लेते हैं और फिर निकाल के अपने दोस्त या फिर रिश्तेदार को दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपसे अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस करके पूछे कि यह पैसा कहां से आया है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि यह पैसा किसी दूसरे का है जो हमने हेल्प किया। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे कंफर्म होगा
कि आखिर ये पैसा आपका है या फिर नहीं है, और ये पैसा आपका कहाँ से आया। तो फाइनली उस बंदे से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि आपका पैसा कहाँ से आया है, क्या सच में आपने इन्हें पैसा दिया था डिपॉजिट करने के लिए। बाद में अगर बात सही निकलती है तो आपसे उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों ये बात था सेविंग्स अकाउंट के बारे में। मैं आपको बता दूं कि अगर आप पकड़े जाते हैं कुछ इस प्रकार से इनकम वगैरह के लिए और आईटीआर आपने फिल नहीं किया है या फिर इनकम टैक्स नहीं दिया है, तो आपको 50 से लेकर 60% तक आपको इनकम टैक्स उस वक्त देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं यूपीआई पर लगने वाले इनकम टैक्स के बारे में। दोस्तों यदि आप यूपीआई करते हैं फिर भी आपका ट्रांजेक्शन गिने जाते हैं, चाहे आप यूपीआई अपने एक अकाउंट से करें या फिर दूसरे अकाउंट से करें, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की काम है कि जब आपका डिपॉजिट या फिर विड्रॉ की अमाउंट या फिर इनकम अगर आपको इतना से ज़्यादा होता है, जिस तरह से हमने बताया उस तरह से अगर आपका ज़्यादा होता है, तो वो आपको नोटिस करेंगे। नोटिस में आपको बताना पड़ेगा कि हमने ये ट्रांजेक्शन अपने दूसरे अकाउंट से किया, एक अकाउंट मतलब 10,000 रुपये को हमने 1 लाख में तब्दील किया, 10,000 रुपये उस अकाउंट से निकाला, इस पर डाला, इस पर निकाला, उस पर डाला, ऐसे करके हमने ट्रांजेक्शन किया, तो यहाँ पर वो इनकम में नहीं गिने जाएंगे और आपसे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी कंपनी अगर आपको यूपीआई थ्रू ही पेमेंट करता है तो वो इनकम में गिने जाती हैं। तो ये सब बातों का ध्यान रखेंगे। अगर आप यूपीआई करते हैं अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, तो आपको नोटिस आ सकता है, तो इस पर आप बता सकते हैं कि हम ऐसे ऐसे करते हैं ट्रांजेक्शन। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो लोग सेविंग्स अकाउंट में अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह ले चुके हैं या फिर ईएमआई ले चुके हैं, उन लोगों का इनकम टैक्स कुछ विचित्र रहती है। जैसे मान लो कि आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, तो जाहिर है कि हर महीने अपने बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ रकम डिपॉजिट करेंगे। तो यहाँ पर 10 लाख की मैंने जो बात किया वो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात किया। अगर आप क्रेडिट कार्ड ले चुके हैं तो आपको 10 लाख रुपये पर यहाँ पर नहीं नोटिस भेजे जाएंगे, बल्कि पूरा यहाँ पर खंगाले जाएंगे। बैंक जो है इनकम टैक्स को नोटिस करने से पहले वो अपना डिसाइड करेगी कि आखिर ये ट्रांजेक्शन किस लिए हुआ है, क्या ये बिल पेमेंट किया गया है, ये सारा देखा जाता है। तो फाइनली बात यहाँ पर यह है कि अगर आप इनकम टैक्स के लिए डरते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, तो आप घबराइए नहीं। जब आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस आती है तो आपको सिर्फ एक ब्यौरा देना पड़ता है, जो ये इनकम कहाँ से आया, ये पैसा कहाँ से आया। अगर आप अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन करते हैं यूपीआई के माध्यम से, तब तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आएगी। लेकिन अगर बाय द वे अगर आपको आती भी है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हम अपने एक दूसरे अकाउंट से यूपीआई करते हैं, कुछ इस तरह के ऑफर वगैरह जब आती है तो हम अपने अकाउंट से यूपीआई कर लेते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कैशलेस सर्विस जब से यहां पर स्टार्ट हुई है, तब से इनकम टैक्स की नोटिस बहुत ही सोच समझ के आता है, और यहाँ पर इनकम टैक्स आपको कम ही चांस है कि इनकम टैक्स की नोटिस आएगी यूपीआई वगैरह पर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र वगैरह पर कम ही, बहुत ऐसे कम चांसेस होती है जो आपको नोटिस आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको लगभग सारी जानकारी प्रोवाइड करा दिया जो सेविंग्स अकाउंट और यूपीआई के लेकर था। इनकम टैक्स में जो आपके दिमाग में खलबली मच रखी थी कि इनकम टैक्स हमें देना पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, तो इस बातों को लेकर हमने इस वीडियो में आपको पूरा सा क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा सरल भाषा में अब बता देना चाहूंगा कि अगर आप यूपीआई करते हैं तो उसमें अगर ज़्यादा अमाउंट करते हैं और ज़्यादा ट्रांजेक्शन ऐसे गिने जाते हैं रेगुलर में, अगर आप ज़्यादा यूपीआई करते हैं तो उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से नोटिस आ सकता है। लेकिन अगर आप कम यूपीआई करते हैं, कम अमाउंट की यूपीआई करते हैं और ज़्यादा ट्रांजेक्शन में नहीं गिना जाता है, तो उस यूपीआई पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से नोटिस नहीं आ सकता है। तो ये साफ तौर पर आप समझ लीजिए। आप ये मत सोचिए कि हम कोई भी इनका यहाँ पर यूपीआई वगैरह करेंगे तो उस पर टैक्स की नोटिस नहीं आएगी। हालांकि मैं बता दूं आपको कि अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट आप करते हैं तो इस पर आपसे ब्यौरा लिया जाएगा, वो आपकी इनकम नहीं होता है। जो भी आप अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर यूपीआई या फिर मनी ट्रांसफ़र करते हैं वो आपका इनकम नहीं होता है, तो सिर्फ आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, इनकम टैक्स आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको लगभग सारी जानकारी प्रोवाइड करा दिया है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपके दिल में तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में मिली जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।